हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जरूरी आते जिंदगी जरूरी आते जिंदगी हुई बात जस्टिस हुई बात जस्टिस हुई बात कम्युनिकेशन हुई बात कम्युनिकेशन हुई बात नेटवर्क फकल निडोरी रोड रिस्टोर करो रिस्टोर करो डीसी एडमिनिस्ट्रेशन सामने आओ डीसी एडमिनिस्ट्रेशन पंडित पुरी था उसने हमको वाटर सप्लाई दिया और कुछ नहीं किया। आ गया सरफदीन शारुख उसको बोला जनाब हम गरीब आदमी हैं हमारा यहाँ बीमार होता है तो हमको डंगी पर उठाकर ले जाना पड़ता है तो हमको रोड दो। तो उसने बोला कि क्यामत तक भी यहाँ रोड नहीं आएगी वोट हम लेंगे क्यों क्यामत तक भी वोट रोड नहीं आएगी। फिर आ गया हमारा इंजीनियर साहब। जब इंजीनियर साहब आया तो इंजीनियर साहब ने हमको जिंदों में शामिल किया डीडीसी बीडीसी बनाए। बीडीसी तो आया ही नहीं है कभी यहाँ। डीडीसी आया था एक बार जब उसने वोट लिए। हमारी इस्तेदा है गवर्नमेंट से खास करके डीसी साहब से हमारा इस्तेदा होगा कि गवर्नमेंट सिर्फ ये ऐलान करती है ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। आप हमारे बच्चों से पूछ सकते हो कि आपको पता है ऑनलाइन किसे कहते हैं। उन्हें कोई पता नहीं है कि ऑनलाइन कौन सी चीज है क्योंकि जहां नेटवर्क है ही नहीं यहां मोबाइल का कोई सर्विस है ही नहीं। रोड की जो है वो खस्ता हालत हो चुकी है। दो हमारे बीडीसी बने हमारे डीडीसी साहब बने उनके पास हम गए उनको अपने हालात बताए किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि वो एक अमला यहाँ पे भेजे। यहाँ पे किसी मकान को खुदा ना हास्ता अगर आग लग जाए अगर फायर सर्विस वालों को हम फोन करेंगे तो वो भी मुश्किल ये सर फोन हो गई नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे और मैं हूँ आपका मेजबान डॉक्टर अब्दुल कुजूम। नाज़रीन इस टाइम हम सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हंदवारा से दूर इलाका मावर के एक छोटे मोटे गाँव में जिसे मंकल के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं अगरचे गांव मंकल तहसील हेडक्वार्टर कलमाबाद हंदवारा से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर वाका है मगर गांव की सूरत हाल 21वीं सदी के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी स्टोन एज की वो तस्वीर पेश कर रहा है जिसे बदलने के लिए आज बहरहाल यहाँ का आवाम तंग आमद जंग आमद यानी मजबूर होकर सड़कों पर निकल आए। हमारी टीम ने जब ग्राउंड जीरो का जायजा लिया तो हकीकत में यहाँ जरूरियाती जिंदगी खुसूसन ऑनलाइन के इस दौर में मोबाइल कनेक्टिविटी और तरक्की का एक अहम जुज सड़क कनेक्टिविटी का फुकदान पाया जा रहा है। बहरहाल इस पूरी सूरत हाल के हवाले से जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो उनका क्या कहना है हमारे साथ सुनिए। क्या डिमांड है आपकी? सर हमारी तो बहुत डिमांड है सर। आप खुद ही देखते हो कि आप इस रोड में फर्स्ट हमारी डिमांड सर रोड की है। जब सर रोड नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारी रोड 4 साल पहले बनी थी सर 2 किलोमीटर या पीछे हमारी गाड़ियां सर रुकती हैं इसलिए क्योंकि 3 मोड़ हमारे रोड के बहुत खतरनाक हैं सर। एक दिन इस रोड में सर गाड़ियां चलती हैं और दूसरे दिन सर वो बेचारे वर्कशॉप होते हैं सर। एक मजदूर की गाड़ी वो क्या करेगा सर क्या कमाएगा क्या गाड़ी पर लगाएगा। इसलिए सर हमारी इस्तेदा है गवर्नमेंट से खास करके डीसी साहब से हमारा इस्तेदा है सर कि वो यहाँ का दौरा करें और हमारी हालत देखें। अगर हम सही कह रहे हैं सर तो सही है अगर नहीं सही हमारा नहीं होगा सर तो हम फिर गुनाहगार हैं कि हम गलत बोल रहे हैं सर। मेरा नाम नौशाद अहमद मीर है और मैं मांकल का रहने वाला हूँ जो सरदीपोरा से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर एक जंगल में वाका गाँव है। हमारी बहुत सी प्रॉब्लम है और फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम जो हमारी है वो है नेटवर्क। नेटवर्क यहाँ किसी के ना होने के भी बराबर आपने खुद देखा होगा कि यहाँ कोई भी किसी किस्म का नेटवर्क नहीं आ रहा है कोई भी कम्युनिकेशन यहाँ नहीं चल रही है। अगर हमारे को कहीं इमरजेंसी कॉल करनी होती है तो उसके लिए हमारे को गांव से तकरीबन 7 किलोमीटर दाएं या बाएं जाकर एक इमरजेंसी कॉल करनी पड़ती है जो खास कर इसके लिए होती है कोई डिलीवरी औरत हो कोई कुछ ऐसा मसला हो। मिडिल स्कूल हमारा जो है इसमें तो 120 से तकरीबन 130 बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन साइंस टीचर और मैथ टीचर की बहुत यहाँ कमी है। देखा होगा कि गवर्नमेंट सिर्फ ये ऐलान करती है भाई ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। आप हमारे बच्चों से पूछ सकते हो कि आपको पता है ऑनलाइन किसे कहते हैं। उन्हें कोई पता नहीं है कि ऑनलाइन कौन सी चीज़ है क्योंकि जहाँ नेटवर्क है ही नहीं यहाँ मोबाइल का कोई सर्विस है ही नहीं। आपने देखा होगा कोई कहाँ घूम रहा है भाई नेटवर्क कहाँ आ जाए
कोई कहाँ मोबाइल हाथ में उठाए घूम रहा है, यहाँ आ जाए, मगर यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं है और हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डीसी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बहुत बड़ी डिमांड है, मेहरबानी करके या तो हमारे गांव का दौरा करें ताकि उन्हें ग्राउंड लेवल का पता चले कि यहाँ इनको ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर उन्हें यहाँ नहीं आ सकते तो हमारी मजबूरी एज आपकी चैनल के माध्यम से हमारी मजबूरी को समझे और हमारे को एक यहाँ टावर नस्ब किया जाए ताकि हमारे भी बच्चे आने वाले मुस्तकबिल में कहीं जाएं या कहीं किसी बाकी लोगों के साथ एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सके। पिछले साल हमारे से माकल से एक रोड निकाला गया नील डोरी के लिए, जिस पे काम भी चला गया, जो जंगलात की अर्थ कटिंग होती है उस पे काम भी लगा और वहां से जो पेड़ जंगलात एनओसी देता है पेड़ भी काटे गए कुछ, लेकिन उसके बाद वहां काम रोक दिया गया। जब भी हम कहीं कंसर्न के पास जाते हैं वो कहते आज कल, लेकिन तब से आज तक कोई काम यहां लगाया नहीं गया। हम आपका सर शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहां पे आए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, आप यहां तक पहुंचे, यहां पे जो हमारा गांव है, इन लोगों के जो हालात है वो आपने देखे सर, उनको आपने जज किया। तो इसके बावजूद हम आपसे सर यही कहना चाहते हैं कि जहाँ से आप आए, हमारा जो मेन रोड है सर वो लिंक रोड निकल रहा है यहाँ में से लेके मांकल तक, ये तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे है सर। इसका जो आपने ड्रेनेज सिस्टम देखा सर, सबसे पहले वो बिगड़ा हुआ है, रोड की जो है वो खस्ता हालत हो चुकी है। 2013 में इसका काम लगा सर, उसके बाद इसमें मैगडम बिछाया गया, कलवर जो यहाँ पे बने सर वो भी खस्ता हाल हो चुके हैं। हमारी डिमांड ये है सर, हमने सबसे पहले हमारे MLA साहब थे उनसे हमने बात की, उनके बाद हालात ख़राब हुए, उनको बंद कर दिया गया। उसके बाद सर आप देखिए हमारे BDC बने, हमारे DDC साहब बने, उनके बाद हम गए, उनको आपने हालात बताए कि हमारे इतने मसाइल हैं सर, हम इन मसाइलों से दो चार हो रहे हैं। लेकिन बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है सर ये कि हमारे किसी भी जो भी मसला हुआ है यहाँ पे सर, जो भी प्रॉब्लम है इस पर कोई भी डिपार्टमेंट इस पर टस से मस नहीं हुआ, चाहे वो R&B था, PMGSY था, या हमारा PDD डिपार्टमेंट था, या बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी है, लेकिन किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन सर हम आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं, इस वक्त आप देख रहे हो इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इनकी सबसे जो मेन डिमांड सर वो यही है कि हमारी रोड की जो ये खस्ता हालत हुई है सर, इसको असर नो इसका जायजा लिया जाए। हम DC साहब से गुजारिश करते हैं कि वो एक अमला यहाँ पे भेजे, वो यहाँ पे आए, उसको देखे सर, इसको खुद देखे कि सर हमारी रोड के जो हालात है वो कितना खराब हो चुके हैं। आप सब देख रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम क्लासें चल रही है, हर जगह पे ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, हमारे यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के कारण यहाँ पे बच्चे जो अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते सर। मेन दिक्कत उनकी ये है कि अगर उनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, अभी हाल ही की बात है एक बच्चे का एग्जाम था, उसको पता ही नहीं कि मेरा एग्जाम कब है, उसको नेटवर्क नहीं, उसको कैसे पता लगेगा मेरा एग्जाम कब आ रहा है, उसको ये पता नहीं उसका एग्जाम मिस हो गया। तो हम यही गुजारिश करना चाहते हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम वाले उनसे भी गुजारिश करें, DC साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि एक बार देखिए यहाँ पे आके, हमें नेटवर्क की जरूरत है सर। मेरा नाम नज़ीरावंद मीर है, मैं मांकल का रहने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद आपका, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ यहाँ पे टाइम निकाल के हमारे साथ बातचीत की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें सर इस वक्त हम सुन रहे हैं हर जगह पे, जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के DC साहब हालत जहांगीर साहब हैं, वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं सर। और आपकी वसादत से मैं कहना चाहता हूँ DC साहब को कि वो मेहरबानी करके या तो खुद आए हमारे गांव में, नहीं तो ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसी टीम भेजें जो गाँव के हालातों को समझ सके। जैसे आप कल रात पुठवाड़ी रात के 11 बजे पहुँचे, वहाँ पर सैलाब आ गया था, लेकिन नेटवर्क था, टावर था, वहाँ पर उन्होंने चाहे लाइव लगाया या कि किसी अफसर को फ़ोन किया तो DC साहब भी वहाँ पहुँचे। तो सर अगर यहाँ पे किसी मकान को खुदा ना हास्ता अगर आग लग जाए, अगर फायर सर्विस वाले को हम फ़ोन करेंगे तो वो भी मुश्किल ही है सर, फ़ोन हो गई नहीं सर। साथ साथ में 7 सेक्टर के कमांडर साहब को और 30 RR के CO साहब को गुजारिश करता हूँ कि अगर उनका कुछ इसमें हो सकता है तो हमारे नेटवर्क में तवज्जो दें और यहाँ पर एक नेटवर्क कायम करें, जिसकी वजह से गाँव को ये मुश्किल का सामना न करना पड़े। 60 साल में पहले था इधर कादर मसाला था, बिल्कुल छोटा था मैं। बाद में हुआ गनी मीत, उसने बनाया दांत कदल। बाद में हुआ पंडितपुरी था, उसने हमको वाटर सप्लाई दिया और कुछ नहीं किया। उसके बाद अब्दुलाद कार था कलम चकला का, तो उसने कुछ नहीं किया। फिर आ गया शरफद्दीन शारक, उसको बोला जनाब हम गरीब आदमी हैं, हमारा यहाँ बीमार होता है तो हमको डंगी पर उठाकर ले जाना पड़ता है, तो हमको रोड दो। तो उसने बोला कि क्यामत तक भी यहाँ रोड नहीं आएगी, वोट हम लेंगे क्यों, क्यामत तक भी वोट रोड नहीं आएगी। फिर आ गया हमारा इंजीनियर साहब, जब इंजीनियर साहब आया तो इंजीनियर साहब ने हमको जिंदों में शामिल किया, DDC BDC बनाए। BDC तो आया ही नहीं है कभी यहाँ, DDC आया था
एक बार जब उसने वोट लिए तो वोट लेकर गया, फिर उसके बाद एक बार आया है कहीं हमने देखा नहीं है, बोला परसों हमने उसको बोला था कि आप उधर आओ चक्कर लगाओ तो हमारी हालत देखो, तो उसने बोला मैं आऊँगा तो फिर आया नहीं है। नए सिरे से आज हम डीसी साहब से एक दा करते हैं कि शुक्रगुजार हैं उसके कि पहले ये रोड सेंक्शन उसी ने करवाया है। आज हम बोलते हैं कि डीसी साहब फिर आया है यहाँ तो यहाँ हमारे गांव में चक्कर लगाएं और हमारी हालत देखें और रोड की हालत देखें और हमें रोड की तामीर दें।